नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एम क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे में आई टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में। आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है और सभी ने उस नोटिफिकेशन को देख भी लिया होगा। वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन कई बार देर आए दुरुस्त आए की कहानी बड़ी अच्छी रहती है। तो आज की इस वीडियो में रेलवे की एक छोटी सी गलती के बारे में चर्चा करेंगे, विज्ञप्ति के बारे में। मैं एक बार जल्दी से आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि अभी जो विज्ञप्ति रेलवे ने सबसे पहले जारी की थी उसमें कुछ त्रुटि थी, उस त्रुटि को उन्हें दोबारा विज्ञप्ति जारी करके कुछ संशोधन करके उसको दोबारा से लागू किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले विज्ञप्ति क्या है, जल्दी से इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो ये विज्ञापन जो आया था आपका, पहले ही रेलवे ने घोषित कर दिया था कि हम 8 या 9 तारीख से विज्ञापन जारी कर देंगे। जो फॉर्म बनने हैं वो शुरू हो चुके हैं, आप जल्दी ही इन पे अप्लाई कीजिएगा। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी आई है 1092 पोस्टें हैं। इसके अंदर केवल वो व्यक्ति ही फॉर्म अप्लाईबल हैं जो आपके पॉलिटेक्निक होल्डर हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जिन्होंने डिग्री कर रखी है। उसके बाद में आईटीआई के लिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आई हुई है, 8052 पोस्टें हैं। टोटल 9144 पोस्टें रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड के लिए निकाली है। एक ग्रेड वन का है, एक ग्रेड टू का है। इनके वेतनमान में भी अंतर होगा क्योंकि ग्रेड वन थोड़ी ऊंचे लेवल की है और ग्रेड टू थोड़े निम्न स्तर की है। तो इसमें लेवल 5 लगेगा, इसमें लेवल 2 लगेगा, जो 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। आयु सीमा में छूट वगैरह की विज्ञप्ति के बहुत सारे पेजेस हैं, आप उनको आराम से पढ़ सकते हो। हाँ, एक चीज और, यदि आपको विज्ञप्ति से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम एक वीडियो स्पेशल उसी चीज पे बना के आपको दे देंगे। अब मेन दिक्कत क्या थी, दिक्कत यह थी कि रेलवे ने जो विज्ञप्ति सबसे पहले जारी की थी उस विज्ञप्ति के अंदर उन्होंने कुछ त्रुटि रख दी। किसमें रखी है ये भी चर्चा करेंगे, क्या थी वो त्रुटि, और आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। तो मेन जो दिक्कत थी वो थी कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू और ओल्ड वैकेंसी जो है ग्रेड फर्स्ट के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए। तो यहां पर ग्रेड फर्स्ट के लिए जो आपकी नई और पुरानी वैकेंसी है वो आपके सामने है। पुरानी और नई वैकेंसी के एक एक आंकड़े हमने मिला के देखे हैं, आप भी मिला लीजिएगा, कोई अंतर नहीं है ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में। ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में बात की जाए तो क्वेश्चन जो कहे गए थे वो 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, छूट वगैरह की वो जो भी बातें हैं। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन की बात करें तो सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क, कंप्यूटर के अनुप्रयोग की मूल बातें, गणित, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग के एक एक शब्द वही हैं ओल्ड विज्ञप्ति के भी। और नई के भी देखोगे तो ग्रेड टेक्नीशियन श्रेणी में सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क, कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें, गणित, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, ये सेम टू सेम है। तो नई और पुरानी विज्ञप्ति ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस बदलाव है ग्रेड थर्ड के, ग्रेड थर्ड में एक थोड़ी सी त्रुटि रख दी थी उन्होंने, शायद अंग्रेजी और हिंदी के जो उनके जो विज्ञप्ति थी अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी वाले में तो उन्होंने सही लिख दिया था लेकिन हिंदी वाले में एक दिक्कत कर दी थी। अब उसको संशोधित कर दिया गया, सुधार दिया गया, तो वो क्या है तो वो आपके सामने ये रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी में, पुरानी की बात करें तो ग्रेड जो थर्ड है उसके भी पेपर में 100 क्वेश्चन 90 मिनट सेम है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में बात करें सिलेबस क्या था, पहले पहले गणित था, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग यहां पर एक शब्द डाल दिया गया था, इसके अंतर्गत था इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गई आपकी। उसके बाद में इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्यशक्ति, ऊर्जा, गति, वेग, एक एक टॉपिक यानी इन्होंने लिख के दे दिए थे। उसके बाद में थी सामान्य जागरूकता, ठीक है ना, ये इसके अंदर दे दिया। अब बात की जाए तो यहाँ पर अंकशास्त्र यानी कि गणित आ गया आपकी, सामान्य बुद्धि व तर्क आ गया, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, यहाँ तो सामान्य विज्ञान लिख दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग आपको कंफ्यूजन करा था, तो उन्होंने इस कंफ्यूजन को इस नई विज्ञप्ति में दूर कर दिया। तो नई विज्ञप्ति में क्या लिखा है तो ध्यान से देखिएगा, सेम वही है, 90 मिनट, 100 प्रश्न, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में इसके अंदर मैथ यानी कि गणित आएगी, सामान्य बुद्धि और तर्क यानी कि रीजनिंग आएगी, सामान्य विज्ञान यहाँ उन्होंने ये चीज को हटा दिया, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग को इन्होंने यहां से हटा दिया और यहाँ एक लाइन डाल दी सामान्य विज्ञान। तो इसको मैं अलग अलग से कर देता हूं, ये सामान्य विज्ञान, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं के भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान शामिल होंगे, बस, यानी कि 10th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है वो आपकी इस एग्जाम में आएगी। सेम आपके ये कह सकते हो कि जो इन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट निकाली थी उसके समकक्ष ये सारा का सारा सिलेबस है। क्वेश्चन की संख्या कुछ बढ़ा दी गई है। उसके बाद में सामान्य जागरूकता, अंकशास्त्र यानी कि मैथ के 25 क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि व तर्क यानी कि जीके वगैरह के 25 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण 40 नंबर का है,
सामान्य जागरूकता 10 नंबर की है, सर सामान्य बुद्धि बता रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो शो कर दी गई है, एएलपी के अंदर क्वेश्चन की संख्या थी वो 75 थी, टाइम उसके अंदर 60 मिनट का था, यहाँ पे 100 क्वेश्चन 90 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। बुरी खबर होगी ट्रेड वालों के लिए कि 18 ट्रेड के अंदर ये पोस्ट जो इन्होंने जारी की है, लेकिन ट्रेड का एग्जाम नहीं होगा, ट्रेड के एग्जामिनेशन का इसमें कोई नहीं है, पेपर केवल एक ही होगा, सीबीटी 1 ही होगा, सीबीटी 2 का कोई प्रावधान नहीं है। सीबीटी 1 जो है वो कई चरणों में होगा, हो सकता है कि एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीने सीबीटी 1 को पूरा करने में लगा दे, लेकिन सीबीटी 2 का एग्जाम आपके यहाँ कहीं भी उल्लेखित नहीं है। उसके बाद में मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में सीधी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये थी एक छोटी सी भूल जो रेलवे ने की थी और उसको तुरंत ही सुधार दिया गया, अगले दिन सुधार दिया गया था। तो ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस आया, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग तो आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके हटा दी गई है, कार्यशक्ति ऊर्जा और ये सब तो इसी के अंदर आ ही जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा, आईटी साक्षरता आदि इसके अंदर से हटा दिया गया है, ध्यान रखना। तो नई विज्ञप्ति के अंदर आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग, स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, आईटी साक्षरता इसके अंदर जो है वो अब शामिल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ लिखा है कक्षा 10 के भौतिक रसायन और जीव विज्ञान ही शामिल होंगे, थोड़ा सिलेबस इन्होंने कम कर दिया, या हो सकता है कि सिलेबस तो यही था लेकिन भूलवंश ये हो गया होगा, बाकी इतनी बड़ी गलती करना रेलवे के लिए सोचे तो थोड़ी मुश्किल सी बात लगती है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी उन्होंने संशोधन किया है और आप लोगों के लिए एक छोटे सी भूल सुधार के बदौलत उन्होंने आपको कम सिलेबस प्रदान किया ताकि आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा चाहे कम होता है ज्यादा, और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और आपकी मेहनत को साकार करने के लिए एम क्लासेस भी आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हमने अभी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बैच स्टार्ट कर रखे हैं, यदि आप उन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे संपर्क नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।